बुधवार की रात मुजफ्फरनगर की छपाड़ थाना पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने छपाड़ थाना क्षेत्र के गांव खुड्डा में हत्या व डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए बदमाशों में से एक पर पुलिस द्वारा 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक बाइक के अलावा 2 तमंचे व कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर जनपद के अलावा आसपास के जनपदों में भी संगीन मामलों में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत 22 सितंबर की रात्रि में बदमाशों के एक गिरोह द्वारा छपाड़ थाना क्षेत्र के गांव खुड्डा में डकैती व हत्या की वारदात को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी गई थी और पुलिस तभी से इस गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी। बुधवार की रात जब छपाड़ थाना पुलिस क्षेत्र के खामपुर रोड पर काली नदी पुल के पास वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिस द्वारा एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए बदमाशों का पीछा कर आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। इस फायरिंग में दोनों बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा दबोच लिया गया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस को एक बाइक के अलावा 2 तमंचे व कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान दोनों बदमाशों ने खुड्डा हत्याकांड में अपनी संलिप्तता के अलावा विगत 17 सितंबर की रात्रि में भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक पिकअप गाड़ी चोरी करने की बात भी कबूली है, जिसकी पुष्टि पुलिस द्वारा फोन द्वारा भगवानपुर थाना प्रभारी से भी की गई है। दोनों बदमाशों की पहचान सहारनपुर जनपद में देवबन क्षेत्र के गांव गुजरावाला निवासी तसव्वर व सहारनपुर जनपद के रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव लंढोरा गुज्जर निवासी मुबारक के रूप में हुई है, जिसमें तसव्वुर के ऊपर मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा 15,000 का इनाम घोषित भी किया गया था। इस मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए SP सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। अवगत कराना है कि थाना छपार एवं SOG की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम तसव्वुर उर्फ भूरा, जो कि जनपद सहारनपुर का रहने वाला है, ये ग्राम खुड्डा थाना छपार में 22/23 की रात्रि को जो डकैती की घटना हुई थी उसमें वांछित था। इसके अतिरिक्त ये थाना भगवानपुर में जनपद हरिद्वार की एक चोरी की घटना में वांछित चल रहा था और इस पर जनपद मुजफ्फरनगर से 15,000 का इनाम भी घोषित था। और जो दूसरा व्यक्ति जो घायल हुआ है उसका नाम मुबारक है, वो भी जनपद सहारनपुर का ही रहने वाला है और वो भी थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार की चोरी की घटना में वांछित चल रहा था। दोनों अभियुक्तों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचा और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना छपार में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है।